हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बी सी ए डी सी ई एंड बी सी ई के बारे में, ठीक है, जिसे डेटिंग सिस्टम या ए सिस्टम ऑफ डेटिंग भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ बी सी एंड ए डी है क्या। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ, कॉन्सेप्ट ऑफ बी सी एंड ए डी, बी सी को ईसा पूर्व और ए डी को ईसवी कहते हैं, ठीक है। बी सी का फुल फॉर्म, मतलब इसका फुल फॉर्म जो होता है वो बी सी का बिफोर क्रिस्ट होता है, और ए डी मीन्स एनो डोमिनी। अब बी सी बिफोर क्रिस्ट का मतलब क्या है, इसे और विस्तृत रूप में समझेंगे। क्या है कि बी सी, नीचे देखेंगे बी सी के, बी सी को एक्सप्लेन किया गया है कि बिफोर बर्थ ऑफ क्रिस्ट, क्रिस्ट ईसा के जन्म के पहले या पूर्व, जिसे ईसा पूर्व बोला गया है, ठीक है। और एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी इन द ईयर ऑफ क्रिस्ट, मीन्स ईसा के जन्म के वर्ष से एनो डोमिनी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, उसे ईसवी कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बीसी किसे कहते हैं और एडी किसे कहते हैं। बीसी मीन्स बिफोर क्रिस्ट और एडी मीन्स एनो डोमिनी, ठीक है। बीसी बिफोर क्रिस्ट या बिफोर बर्थ ऑफ क्रिस्ट, एंड एडी मीन्स एनो डोमिनी या एनो डोमिनी या इन द ईयर ऑफ क्रिस्ट, ओके, ईसा के जन्म के वर्ष से जो ईयर स्टार्ट हुए उन्हें एनो डोमिनी या एडी कहते हैं। इसे और डिटेल में अगर समझें हम, तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि बीसी को और डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है कि बीसी इज एक्रोनिम ऑफ बिफोर क्रिस्ट। क्या है बिफोर क्रिस्ट का, ये एक संक्षिप्त रूप है, इसे मिनिएचर फॉर्म कह सकते हैं, बीसी है बिफोर क्रिस्ट का। और आगे देखेंगे, दिस इज़ एन इंग्लिश फ्रेज मीनिंग बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। यह एक इंग्लिश फ्रेज है, अंग्रेजी शब्द का एक वाक्य है, जिसका मतलब है कि बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट मीन्स जीसस क्रिस्ट के जन्म से पहले पूर्व। इसे हम एग्जांपल के तौर, एग्जांपल से समझते हैं। कैसे क्या दिया हुआ एग्जांपल, कि गौतम बुद्ध वाज बॉर्न इन 563 बीसी एंड डाइड इन 483 बीसी। अब यहाँ कुछ डिफरेंस देख रहे हैं, पहले क्या बता रहा है कि गौतम बुद्ध जन्म लिए थे 563 बीसी में, जबकि मर गए थे कि कब, तो 483 बीसी, ठीक है। अभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा होगा, आगे हम टाइम टेबल देखेंगे उसमें ये सारी चीज़ें बी सी और ए डी में डिफरेंस आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम, फिर हम उसके बाद बी सी को देख लिया, अब ए डी को एक्सप्लेन किया गया उसे देखते हैं। ए डी इज़ एक्रोनिम ऑफ एनो डोमिनी, ओके, एनो डोमिनी का ये क्या है, ए डी संक्षिप्त रूप है। और दिस इज़ अ लेटिन फ्रेज मीनिंग इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्रिस्ट, मतलब ये जो ए डी एनो डोमिनी फ्रेज है, ये वाक्य है, ये लैटिन वाक्य है, ठीक है। और इसका मतलब क्या है कि लॉर्ड या जीसस क्रिस्ट के साल में, मतलब उनके जन्म के साल में। सो आगे दिया है, सो द ईयर बिगन विद द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट इज नोन एज एनो डोमिनी डिनोटेड एज ए डी, मीन्स उस साल से जब जीसस क्रिस्ट का जन्म हुआ उस साल से ही एनो डोमिनी जो है वो स्टार्ट हो गया, और एनो डोमिनी को ए डी से डिनोट किया गया। इसका भी एग्जांपल दिया गया है, ए डी का एग्जांपल दिया गया, फॉर एग्जांपल हज़रत मोहम्मद वाज बॉर्न इन 570 ए डी एंड डाइड इन 632 ए डी। हज़रत मोहम्मद आप सब जानते होंगे, द फाउंडर ऑफ इस्लाम एंड द प्रोक्लेमर ऑफ द कुरान, इस्लाम के ये संस्थापक थे और कुरान के प्रचारक भी रह चुके थे। हज़रत मोहम्मद, बताया जा रहा है एग्जांपल में कि इनका जन्म हुआ था 570 एडी में, जब और ये मरे थे 632 एडी में, ठीक है। तो ये एग्जांपल हुआ। अब हम देखेंगे इसके बाद टाइमलाइन को, टाइमलाइन आपको एक्सप्लेन करेगा, और जो भी कन्फ्यूज़न है बी सी ए डी के बीच, वो आपका कन्फ्यूज़न जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है टाइमलाइन में कि सबसे पहले देखेंगे हम, आएंगे सेंटर में जो ज़ीरो इंडिकेट किया गया है, बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। अगर हम मान लेते हैं ये कोई
लाइनिंग टाइम लाइन बनाई गई है, जिसमें सेंटर लिया गया है जीरो, जो कि क्या है, बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट, ईसा मसीह का जन्म इस समय हुआ अगर मान लेते हैं। तो जो अगर हम ज़ीरो से लेफ्ट साइड देखें तो बीसी दिया हुआ है, ठीक है, और राइट साइड में एडी, एडी को एक्सप्लेन किया गया है। अगर बीसी साइड में देखें तो स्टार्ट हुआ है 1 BC, 2 BC, 3 BC, 4 BC, 5 BC, 2 BC टू 500 BC तक गया है। एडी की तरफ भी देखेंगे तो 1 AD, 2 AD, 3 AD, 4 AD, 5 AD, 2 500 AD, इस तरीके से टाइमलाइन को बनाया गया, ठीक है। और सेंटर में दिया गया क्या कि क्रिस्ट बर्थ को दर्शाया गया है, कि इस समय जो जीसस क्रिस्ट थे, लॉर्ड क्रिस्ट, उनका जन्म हो चुका था, ठीक है। और यहाँ से स्टार्ट होता है एनो डोमिनी पीरियड। तो इसको समझने के लिए बीसी एक चीज़ और, अभी फ़िलहाल में कुछ जो नए कॉन्सेप्ट इसके बने हैं, जैसे कि बीसी को बीसीई के नाम से भी जाना जा रहा है, इसका जिसे ईसा पूर्व कहते हैं। बीसीई के फुल फॉर्म को अगर हम जानना चाहें तो देख सकते हैं यहाँ, बिफोर कॉमन ईरा कहते हैं या बिफोर क्रिस्ट ईरा, और एडी को सीई के नाम से जाना जाता है, ईसवी जिसे कहते हैं हिंदी में। सीई का फुल फॉर्म है कॉमन ईरा, और क्रिश्चियन ईरा या क्रिस्ट ईरा भी कह सकते हैं। तो ये दो जो कॉमन वर्ड्स हैं, ये पुराने वर्ड्स को नए फॉर्म में बस इसे लिखा जाता है, बस इसके आप इसके फुल फॉर्म को याद कर सकते हैं। बीसीई का फुल फॉर्म है बिफोर कॉमन ईरा, सीई का है कॉमन ईरा, ओके। तो ये टाइमलाइन आप देख सकते हैं यहाँ पे, इस टाइमलाइन से आपको देख के ये समझ में आएगा कि जो बीसी बिफोर क्रिस्ट, वो जो है जीसस क्रिस्ट के बर्थ से पहले का समय है, और इसे हम इस टाइमिंग को, बीसी की जो टाइमिंग है, इसे हम बैकवर्डली काउंट करते हैं, बैकवर्डली काउंट। जैसे कि अगर हम मान के चलें कि अगर 100 से स्टार्ट करें बैकवर्ड काउंटिंग, तो 100 जो होगा ईयर में सबसे पहले आएगा। इस चीज़ को समझने के लिए हम आगे चलते हैं, क्या दिया हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्रॉम द टाइम लाइन, अगर हम टाइम लाइन को देखें ध्यान से, ठीक है, तो उससे हमें समझने को क्या मिलता है कि फ्रॉम द टाइम लाइन इट इज़ क्लियर दैट द ईयर्स बिफोर द क्रिस्ट बर्थ मीन्स बीसी हैव काउंटेड बैकवर्ड। मीन्स अगर हम टाइमलाइन को अच्छी तरीके से देखें तो क्या हमें ये क्लियर हो जाएगा कि जो बीसी से पहले का पहले के साल थे, ठीक है, उनको बैकवर्डली काउंट किया जाता है। किस तरीके से, सच एज आप देख सकते हैं कि फाइव पहले आएगा 500 BC, देन 500 BC, उसके बाद आएगा, अगर इस ऐसे ही शो ऑन करते जाएं तो 5 BC के बाद आएगा 4 BC, उसके बाद 3 BC, एंड देन 2 BC, एंड देन 1 BC। फिर नीचे देखेंगे क्या लिखा है कि इट मीन्स फर्स्टली द ईयर ऑफ 500 BC पास्ड, सबसे पहले 500 BC का जो साल है वो बीता BC में, ठीक है। आफ्टर दैट, उसके बाद 5 BC पास्ड, उसके बाद 5 BC जो था वो पास्ड हुआ, ठीक है। आफ्टर दैट 4 BC केम, 5 BC पास्ड होने के बाद 4 BC आया, 4 बिफोर क्रिस्ट आया, ठीक है, और 4 BC के बाद 3 BC, एंड आफ्टर दैट 2 BC, एंड लास्टली 1 BC अपीयर्ड, और अंत में जाके 1 BC अपीयर हुआ। जैसा कि आप यहाँ टाइमलाइन में फिर से देख सकते हैं कि इधर बीसी की तरफ से देखें तो बैकवर्डली काउंटिंग होता है, मतलब कि 500 BC से स्टार्ट करेंगे, फिर आएगा यहाँ से 500 BC से 400 300 200, इसे करते करते फिर 5 BC, ठीक है, फिर 4 BC, 3 BC, 2 BC, 1 BC, एंड आफ्टर दैट बर्थ, जीसस क्रिस्ट का बर्थ आया, और फिर जो AD स्टार्ट हुआ एनो डोमिनी, इसे हम यहाँ देखेंगे क्या दिया है एनो डोमिनी में। उससे पहले यहाँ एक शॉर्टकट ट्रिक दिया हुआ है, आप समझ सकते हैं कि इन मैथमेटिकल लैंग्वेज में इट इज़ लाइक बैकवर्ड काउंटिंग। मैथमेटिकल लैंग्वेज में आप इसे बैकवर्ड काउंटिंग की तरह समझ सकते हैं बीसी को, बिफोर क्रिस्ट को, जैसे 100, 99, 98, 97, एंड सो ऑन, ठीक है। अब हम देखेंगे एनो डोमिनी, एनो डोमिनी में क्या बताया गया। जैसा कि हमने बताया कि टाइमलाइन में बिफोर, सॉरी, जीसस क्रिस्ट के बर्थ के बाद या बर्थ के समय से ही जो टाइमिंग स्टार्ट हुआ उसे एनो डोमिनी कहा गया।
तो यहाँ देख सकते हैं पॉइंट सेकंड दिया हुआ है कि फ्रॉम द टाइम लाइन इट इज़ ऑल्सो क्लियर दैट द ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट हैव काउंटेड फॉरवर्ड, मीन्स उनके जन्म के जस्ट बाद के समय को फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या काउंट किया जाता है, और उसे एडी एनोडोमिनी नाम दिया गया। ठीक है, इन मैथमेटिकल लैंग्वेज इट इज़ लाइक फॉरवर्ड काउंटिंग, मीन्स 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो ये सारी चीज़ें जो आप यहाँ पे टाइमलाइन से आसानी से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ दो चीज़ें आपको ध्यान देनी है, क्या कि आपको टर्म्स पूछे जाते हैं, जैसे बीसी टर्म का फुल फॉर्म और एडी टर्म का फुल फॉर्म। तो आपको फुल फॉर्म पता चल गया, बीसी बिफोर क्रिस्ट, एडी एनो डोमिनी। बीसी को ही बीसीई यहाँ के नाम से दिया गया है, बिफोर कॉमन ईरा या बिफोर क्रिस्ट ईरा बताया गया है, जिसे ईसा पूर्व कहते हैं, और एडी को ही सीई बताया गया है, मींस कॉमन ईरा, जिसे ईसवी कहते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। ओके फ्रेंड्स।